दोस्तों, अगर आपने अपना ई श्रमिक कार्ड है जो कि आपने गलती से बना लिया है, गलती से यानी कि आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जिन लोगों के लिए ई श्रमिक कार्ड है जो कि बनाना जाना होता है, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं फिर भी आपने किसी के कहने में या फिर किसी भी प्रकार के झांसे में आके या किसी प्रकार की लालच में आकर आपने अगर ई श्रमिक कार्ड बना लिया है और अब आपको लगता है कि मैंने गलती से बनवा लिया, अब मुझे इससे प्रॉब्लम हो जाएगी और उसको मेरे को डिलीट करवाना है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आने वाला हूं कि ई श्रमिक कार्ड है उसको आप किस तरीके से कैंसिल करवा सकते हैं या फिर कैसे वो डिलीट होगा या नहीं भी होगा। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करूंगा निवेदन कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगी। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और चर्चा करते हैं ई श्रमिक कार्ड को डिलीट को लेके। तो दोस्तों ई श्रमिक कार्ड डिलीट किसको करवाना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करते हैं और आपने ई श्रमिक कार्ड बनवा लिया है, या फिर आप किसी संगठित श्रमिक है यानी कि रेलवे जो मजदूर का संगठन है या फिर जो म्युनिसिपैलिटी का संगठन होता है मजदूरों का, उस यूनियन में आप जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप काम करें, आपका EPF जो कि होता है PF कटता है, तो अगर ऐसे आप मजदूर हैं और आपने गलती से ई श्रमिक कार्ड बनवा लिया है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए ई श्रमिक कार्ड बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, और कई लोग हैं जो कि इसको बनवा लेते हैं ई मित्र के माध्यम से या ऑनलाइन कहीं पर भी। अभी ई श्रमिक कार्ड है जो कि ऑनलाइन बन रहा है, कोई भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन में भी आप बना सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर भी। तो ऐसे में अगर आपने अपना गलती से ई श्रमिक कार्ड बनवा लिया है तो उसको अगर आप डिलीट करवाना चाहते हैं तो वो डिलीट बिल्कुल ही अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप उसको डिलीट कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों मैंने जो जानकारी हासिल की है जो कि श्रम विभाग में बात करके मैंने पता लगाया है कि ई श्रमिक कार्ड अगर किसी ने गलती से बनवा लिया है तो उसको डिलीट कैसे किया जाएगा, तो वहाँ से दोस्तों रिप्लाई आया है कि अभी तक के इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ई श्रमिक कार्ड को डिलीट कर सके या फिर उसको कैंसिल करवा सके, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में इसको कैंसिल करने की या डिलीट करने की सर्विस आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको लगता है कि आपने गलती से ई श्रमिक कार्ड बनवा लिया है तो आपको क्या करना है दोस्तों, वहाँ से जो मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों आपको उस ई श्रमिक कार्ड को कहीं कर भी आपको यूज नहीं करना है, यानी कि उसको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर वहाँ पर कहीं पर भी आपसे मांगा जाए कि ई श्रमिक कार्ड आपका प्रोवाइड करवाए दे और ई श्रमिक कार्ड नंबर आपसे कहीं मांगे जाए तो आपको वहाँ पर ई श्रमिक कार्ड के नंबर नहीं देने हैं, किसी भी प्रकार की ऑनलाइन कोई भी फॉर्म हो या फिर कोई ऐसी योजना सरकार की आ जाए जिसके अंदर आपसे ई श्रमिक कार्ड मांगा जाए तो आपको वहां पर ई श्रमिक कार्ड नहीं देना है। आपको बना लिया है तो उसकी कोई बात नहीं है, आप उसको बनवा के रख ले घर के अंदर और इसको आपको किसी भी प्रकार कहीं पर भी यूज नहीं करना है। इन फ्यूचर भविष्य में इसको डिलीट करने का ऑप्शन आने वाला है, इस तरीके की जानकारी मिली है, अगर आ जाता है तो उसको आपको किस तरीके से डिलीट करना है इसके लिए पूरा वीडियो में लेके आ जाऊंगा और जिसके ऊपर आपको बता दूंगा कि आपको अपना ई श्रमिक कार्ड किस तरीके से डिलीट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।